अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिनर में जबरदस्त स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बोनलेस चिकन के रेशे तोड़ूंगी मैं। इस तरीके से चिकन जूसी बनेगा। अब मैं मसाले तैयार कर लूंगी। इसके लिए 1 टीस्पून नमक डालूंगी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी और 1 टीस्पून लहसुन और 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पाउडर ज़्यादा मज़े का लगेगा। तीनों सॉसेज ऐड की है, चिली सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर। उसके बाद मैंने दही ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज या फिर रेड फूड कलर आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें दही का ऐड किया है। अब चिकन को अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए मैरिनेट कर लूँगी। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 30 मिनट्स के लिए रखा है। आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं चिकन को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं यहाँ आलू को धो रही थी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। अरेबिक स्टाइल में मैं बना रही थी तो मैंने सोचा ही चिकन के साथ फ्राइज भी डाल दूँ। वैसे भी बच्चों को चिप्स पसंद होते हैं तो शौक से खा लेंगे ये। अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें गार्लिक पाउडर डालूँगी और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन या ग्रिल ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल पैन में भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। इसको मैं 50% जो है फ्राई करूंगी। चिकन को भी मैं कवर करके हल्की आंच पर पकाऊंगी। 50% ये फ्राई हो चुके थे तो मैंने इनको निकाल लिया था और रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा होने रख दूंगी। यहाँ चिकन भी हाफ डन हो गया था तो इधर मैं जो है मसाला जो बचा हुआ था वो ब्रश की मदद से लगा लूँगी और दोबारा से इसको कवर कर लूँगी। खैर, चिकन को हल्की आंच पर छोड़ के मैं नमाज पढ़ने चली गई थी और इतनी देर में चिकन पक भी चुका था। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी मज़ेदार था। मैंने यहाँ 2 सॉसेस तैयार किए हैं। एक तो मैंने सिंपल सा मायोनीज और केचप मिक्स करके बनाया सॉस और दूसरी मैंने चीज़ी सॉस बनाई है, तो इसमें मोज़रेला चीज़ और जो स्लाइस वाली चीज़ होती है वो ऐड की है मैंने। और इसके अंदर मैंने ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल के दूध ऐड कर दिया है। अब माइक्रोवेव में इसको मैं 30 सेकेंड के लिए मेल्ट करूँगी। उसके बाद मैं दोबारा चम्मच हिला के दोबारा से 30 सेकेंड के लिए रख दूँगी और उसके बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से जो है इसको ब्लेंड कर लूँगी। ज़बरदस्त सॉस तैयार हो गई है। टॉर्टिला रैप को मैं अच्छे से जो है सेक लूँगी थोड़ी देर के लिए। फ्राइज भी अच्छे से ठंडे हो चुके थे तो अब मैं इसको दोबारा फ्राई कर लूँगी ताकि ये क्रिस्पी से बन जाए। सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी तो अब मैं बना लेती हूँ इनको। सबसे पहले मैं रेड सॉस लगाऊंगी, फ्राइज डालूंगी, चिकन डालूंगी, उसके बाद चीज़ी सॉस डालूंगी। चीज़ सॉस को हम एंड में इसलिए डालेंगे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी जब हम पैन में रखेंगे। ऑयल या बटर डाल के इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लूंगी। अगर आप स्पाइसी चाहते हैं और चटपटे चाहते हैं तो इसमें आप और सॉसेज ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी एंड में डाल सकते हैं। ये थी मेरी आज की रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।